हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और हमने पिछले वीडियो में हमने सेल का मानक परिस्थिति में विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया था और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। आप मानक स्थिति का फॉर्मूला लगा करके उस वीडियो के द्वारा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अमानक परिस्थिति, और अमानक परिस्थिति के लिए वैज्ञानिक हमारे हैं नष्ट, जिन्होंने अपनी समीकरण दी है उस समीकरण को लगा करके हम सेल की अमानक परिस्थिति में विद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नष्ट समीकरण क्या होते हैं। देखिए, ध्यान ये रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर में केवल नष्ट समीकरण पूछ ली जाती है कि नष्ट समीकरण को लिखिए और प्रतीकों के अर्थ बताइए वहां पर क्या है। तो हम देख लेते हैं नष्ट समीकरण को, चलिए चालू करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, लिखा हुआ है नष्ट समीकरण, किसी भी परिस्थिति में अर्थात विभिन्न सांद्रता ताप दाब पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। यानी किसी भी ताप, किसी भी सांद्रता, किसी भी दाब पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक है नष्ट, जिन्होंने अपनी समीकरण प्रस्तुत की है जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। यही इस परिभाषा में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। हाँ, नष्ट समीकरण कहते हैं यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव व विलयन की सांद्रता, इलेक्ट्रोड विभव व विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। यानी ये समीकरण हमारी इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के मध्य क्या करती है, रिलेशन को प्रदर्शित करती है। तो चलिए देखते हैं इस समीकरण को। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यह है आपकी समीकरण, नष्ट समीकरण लिखी हुई है। मैं समझा देता हूं यहां पर कौन क्या है। तो ई सेल, ये देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, ये ई सेल क्या है, ये अमानक परिस्थिति नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अमानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल को हम ई सेल से लिखते हैं। यहां पर एक और चीज देखिएगा, यहां पर मानक वाला भी लिखा हुआ है, यानी इस फार्मूले को लगाने के लिए मुझे मानक वाला फार्मूला लगा करके पहले मानक विद्युत वाहक बल निकालना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमें मानक वाला भी विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा और अमानक का तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए E सेल बराबर हो गया E0 सेल, ये मानक विद्युत वाहक बल है सेल का और ये अमानक विद्युत वाहक बल है। उसके बाद ये माइनस लगा हुआ है 2.303 RT अपॉन NF log 10, ये P अपॉन R, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस उत्पाद, R फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मींस अभिकारक। तो ये हमारी हो जाती है नष्ट समीकरण। तो ये हो गई हमारी नष्ट समीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बताता हूं कि यहाँ प्रतीक हमारे ये R, ये T, ये N, F, P, R ये क्या होते हैं, उनकी वैल्यू कहाँ होती है, क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनकी वैल्यू आपको बताता हूं। तो चलिए, मैंने यहां पर सभी प्रतीकों के अर्थ लिख दिया है और आपको बता देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि नष्ट समीकरण क्या है, प्रतीकों के अर्थ सही समझाइए। तो देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखी हुई है नष्ट समीकरण। तो यहां पर देखिएगा E0 सेल, ये E0 सेल क्या है, तो E0 ये जो ई सेल लिखा हुआ है, ई सेल ये है अमानक विद्युत वाहक बल। अगर इसको लिखना है आपको तो लिख लीजिए अमानक विद्युत वाहक बल, यानी नॉन स्टैंडर्ड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये अमानक विद्युत वाहक बल। ये E0 सेल क्या है, मानक विद्युत वाहक बल, E0 सेल क्या है, मानक विद्युत वाहक बल। उसके बाद -2.303, यहां तक तो ये हो गया मैथमेटिकल वैल्यू। R क्या है, तो R मैंने ऊपर लिखा हुआ, ये R क्या है, तो R है आपका गैस नियतांक, R क्या है आपका गैस कांस्टेंट। क्लास 11th में जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि ये R को लिया जाता है, तो वहीं से इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 0.0821, 0.0821, यानी ये क्या है, गैस नियतांक है, गैस कॉन्स्टेंट है। उसके बाद टी क्या है, ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल टी, टी क्या है, टी है ताप। मैंने बताया था कि ताप कुछ भी हो सकता है, तो मान लिया कि यहाँ पर ताप कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तो टी क्या है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, 273 जोड़ करके केल्विन बदल लेंगे। एफ क्या है, एफ है आपका, देखिए एफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एफ कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ है आपका फैराडे नियतांक, कैपिटल एफ आपका हो जाएगा फैराडे नियतांक, कैपिटल एफ फैराडे नियतांक, 96,500 कूलाम इसकी वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू रहती है। उसके बाद
एन क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं कि एन भी लिखा हुआ, तो एन है सेल अभिक्रिया में ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सेल अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे है ना, उनकी संख्या क्या होती है, ये एन होती है। तो लिखा हुआ है कि एन क्या है, सेल अभिक्रिया में ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद देखिएगा ये लिखा हुआ है पी, ये कंसंट्रेशन का सिंबल बना हुआ है, ये जो साइन देख रहे हो ऐसे ये बना हुआ है, ये सांद्रता का सिंबल है, सांद्रता का चिन्ह है। तो यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन पी, ये क्या है कंसंट्रेशन पी यानी सांद्रता, जो पी है ये क्या है आयनिक उत्पादों की सांद्रता है। पी फॉर क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, तो पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, तो प्रोडक्ट है उत्पाद, देखिए आयनिक उत्पाद की सांद्रता है। आर क्या है, आर फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, जो हमारे बाई साइड में लिखा होता है, तो रिएक्टेंट क्या हमारा है ये देखिए आर, आर क्या है आयनिक अभिकारक की सांद्रता, यानी आर क्या है अभिकारक की सांद्रता, पी क्या है उत्पाद की सांद्रता। अब ये हमारी हो गई नेक्स्ट समीकरण, तो ये वाली वैल्यू जो हमें मान पता है इन मानों को पुट कर देंगे हम इसमें नेक्स्ट समीकरण में, तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी जिसके द्वारा हम क्या करेंगे किसके सवालों को लगाएंगे। तो यहां से ये वाली वैल्यू जो भी जितनी हमें दी गई है उन सबको यानी उपरोक्त मान इस समीकरण में रखने पर हमें एक नई समीकरण मिल जाएगी जिसके द्वारा हम क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे। देखिए हम लगा ये भी सकते थे लेकिन इसमें क्या है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको सॉर्ट करने के लिए ये सारी वैल्यूज लेकर के हम यहाँ पर रख देंगे और हमें एक नई समीकरण मिल जाएगी जिसके द्वारा हम क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे। तो नष्ट समीकरण हमारी कौन है, तो नष्ट समीकरण अगर आपके एग्जाम में आती है तब आप यही लिखेंगे नष्ट समीकरण। सवालों को लगाने के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं आसान कर लेते हैं। तो हमारी नष्ट समीकरण ये हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं इसको आगे सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं तो हमें नई समीकरण मिल जाएगी। तो ये हमारी हो गई नष्ट समीकरण। अब देखिएगा इसमें आर है कैपिटल आर, कैपिटल आर, आर का मान कितना 0.0821 यहां पर रख देंगे। कैपिटल टी, टी का मान कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। एफ क्या है, एफ है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक का मान कितना 96,500 कूलाम, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो इन सभी वैल्यू को पुट करके जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे टोटल, देखिए एन तो हमें पता नहीं है तो एन तो वैसे ही रहेगा यानी एन कहीं नहीं जाने वाला है, बाकी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी ये चेंज हो जाएंगी। तो यहां पर जो हमारा हो जाएगा इसको जब हम वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.059 अपॉन एन, ये हमारी हो गई समीकरण। जब हम वो वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, इन सभी वैल्यू वहां पर रख देंगे तो हमें ये समीकरण मिल जाएगी। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम सवालों को लगाएंगे। तो इसके सॉल्व लीजिए फिर हम चलते हैं इसके सवालों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने एक सवाल लिखा हुआ है। देखिए सवाल लगाने से पहले मेरी बात एक फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। मैंने बताया था आपको जब कभी हमें सांद्रता पॉइंट में दी जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अमानक परिस्थिति। अमानक परिस्थिति का मतलब है नष्ट समीकरण से लगेगा जब हमारी सांद्रता क्या होगी पॉइंट में होगी, और सांद्रता पॉइंट में नहीं है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मानक परिस्थिति का, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। तो यहां पर हम जो सवाल देख रहे हैं वहां पर हमें सांद्रता पॉइंट में ही दी गई है। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि एक सवाल में सांद्रता पॉइंट में लिखी होती है और दूसरे में पॉइंट में नहीं लिखी होती है, यानी एग्जामिनर जो है फंसाने के लिए ऐसा कर देता है कि एक सवाल में पॉइंट में सांद्रता लिख देता है और दूसरे में जो हमारा होता है यहाँ पर लिखा हुआ या किसी में भी हो, एक में पॉइंट में लिखी होगी और एक में ऐसे लिखी होती है। लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सांद्रता हमें किसी में भी पॉइंट में अगर दी गई है तो हम क्या करेंगे नष्ट समीकरण लगा करके ही उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ना जनरली वो आंसर आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये, तो ये हो गया। चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ कि निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है आपको सेल बना करके, ये क्रोमियम है और ये क्रोमियम, क्रोमियम ट्रिपल प्लस हो गया यानी सीआर से सीआर ट्रिपल प्लस बन गया। तो ये सांद्रता कितनी दी गई है 0.1 एम, एम क्या होता है मोलरता, यानी सांद्रता की जो इकाई है यहाँ पर मोलरता होगी। तो ये 0.1 एम मोलरता, ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये इसको कहते हैं लवण सेतु। और यहां पर ये क्या है आयरन लोहा Fe, डबल प्लस से कितना हुआ ये Fe, इसकी सांद्रता कितनी 0.01 एम। तो देखिए यहां पर सांद्रता पॉइंट में दी गई है, तो पॉइंट में दी गई तो हमें पता चल गया कि ये नष्ट समीकरण से ही लगेगा,
क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन ध्यान मेरा वो केस रखिएगा कि जब मैंने बताया कि एक में पॉइंट में दी गई होगी और दूसरे में ऐसे लिखी होती, तब भी हम नश समीकरण ही लगाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। हालांकि यहाँ पर तो दोनों पॉइंट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एफ ई डबल प्लस हो गया 0.01 और ये एफ ई आयरन हो गया, तो मुझे ये एक सेल बना करके दे दिया गया है। तो ये सेल बना हुआ है, उसके बाद इसकी वैल्यूज हमें दी दी गई हैं। ई जीरो सी आर ट्रिपल प्लस से सी आर हमारा है तो कितना है, -0.75 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू दे दी गई है। इसकी वैल्यू क्या, ई जीरो एफ ई और ये हमारा लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है एफ ई, एफ ई से बन गया एफ ई डबल प्लस, यानी आयरन से आयरन डबल प्लस बन गया और 0.45। ये क्या है, ये छड़ है, ये आयरन है और ये क्या है, आयरन की छड़ है, आयरन सल्फेट या जो भी आयरन का विलयन होगा उसमें पड़ी हुई, ये छड़ का सिंबल है, तिरछा तिरछा लगाया गया ना, ये इसको कहते हैं छड़ का सिंबल, और ये लवण सेतु हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा एक सवाल, हमको दिया गया है। अब इसको लगाने के लिए मैंने बता ही दिया है कि सांद्रता जब भी पॉइंट में दिखाई दे हमें नष्ट समीकरण पर जाना है। नष्ट समीकरण मैंने आपको पीछे बता रखी है, नष्ट समीकरण से हम अमानक विद्युत वाहक बल निकालते हैं, लेकिन उस फार्मूले में मानक वाला भी है। तो सवाल को सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिएगा ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले कैथोड और एनोड को पहचानना होगा। कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे, तो लवण सेतु के बाद, ये जो लवण सेतु लिखा है, लवण सेतु के इस साइड में जो मेरे दाएं साइड में पड़ेगा, दाएं हाथ पर पड़ेगा इधर वाला, इस लवण सेतु के बाद जो मेरे दाएं साइड में पड़ेगा इधर वाला, वो क्या होता है, कैथोड होता है, यानी दाएं साइड में कैथोड होता है और मेरे बाएं साइड में क्या होगा, एनोड होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल बना होगा, तो ऐसे ही आपको पहचानना है कि जो मेरे दाएं साइड में पड़ेगा वो कैथोड होगा, जो बाएं साइड में पड़ेगा वो एनोड होगा, और बीच में आपका क्या होगा, लवण सेतु होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो कैथोड हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, कैथोड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड। तो कैथोड पर हमेशा ध्यान रखिए कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होता है। हमेशा ध्यान रखिए कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। उसके बाद देखते हैं यहां पर इधर वाला क्रोमियम क्या होगा, ये आपका एनोड हो जाएगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी समीकरणों को लिख लेते हैं, सेल में होने वाली जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनको लिख करके हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें यही करना होगा, जब अमानक परिस्थिति में सवाल लगाएंगे अमानक परिस्थिति से, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी, तो हम यहां लिख लेते हैं अर्ध समीकरण, अर्ध समीकरणे लिखने पर, अर्ध समीकरणे लिखने पर, तो अर्ध समीकरण लिखने पर मतलब जो कैथोड पर रिएक्शन हुई है, जो एनोड पर रिएक्शन हुई है, वो रिएक्शन हमें लिखनी है। तो यहां पर देखते हैं एनोड, एनोड पर हमारा कौन है, ये क्रोमियम, क्रोमियम क्या हुआ है, क्रोमियम से क्रोमियम ट्रिपल प्लस हुआ है, यानी क्रोमियम से क्रोमियम तीन प्लस हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एनोड, और एनोड पर होगा क्या, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीकरण एनोड पर। तो एनोड पर कौन हमारा, क्रोमियम है, ऑक्सीकरण होगा। ये ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्रोमियम है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जितना क्रोमियम के ऊपर चार्ज लगा हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहां पर क्रोमियम पर कितना है, क्रोमियम से बन गया क्रोमियम तीन प्लस। अब ये क्रोमियम से क्रोमियम तीन प्लस, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर उतना ही प्लस लगता है, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहां पर देखिएगा क्रोमियम है और क्रोमियम से बन गया क्रोमियम ट्रिपल प्लस, जितना प्लस, जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस लगता है। तो यहां पर हो गया तीन इलेक्ट्रॉन, यानी क्रोमियम ने तीन इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी उस पर कितना आया, तीन प्लस का चार्ज आया। तो ये हो गई हमारी एनोड पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। उसके बाद देख लेते हैं कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, यानी कैथोड पर क्या हो जाएगा, अपचयन। कैथोड पर कौन है, तो सामने देख रहे हैं आयरन, लोहा, कैथोड पर कौन है, अपचयन, आयरन है, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यहां पर आयरन देखिएगा Fe, आयरन Fe पर क्या लगा हुआ है, डबल प्लस, और बदल किस में गया है, Fe में बदल गया है,
यानी 2+ से Fe में बदल गया, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है और Fe में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया है। तो चार्ज का घटना क्या हो जाएगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या हो जाएगा, अपचयन। तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, इसने दो इलेक्ट्रॉन, यानी आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और आयरन में बदल गया। देखिए यहाँ पर दो से कितना हुआ है, जीरो में हो गया ना, दो से जीरो खत्म, यानी दो से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आयरन में बदल गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिख पाएंगे। और यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नष्ट समीकरण में हमें एन की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, तीन, और यहाँ पर कितने हैं, दो। तो समीकरण को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन तभी कैंसिल होंगे जब बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा दूसरा धातु, उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ पर ये तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन और दो को कैसे बराबर करेंगे, तो तीन और दो को जब कभी बराबर करना होता है तो हमें संख्या कौन सी लानी होगी, सिक्स। तो तीन वाले में हम दो से गुणा कर दें और दो वाले में तीन से गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दो से गुणा और यहाँ पर कर देते हैं तीन से गुणा। तो इसको हम तीन से गुणा कर देंगे तो ये हमारा इधर तीन हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इसको, तो दो से गुणा करेंगे सब में क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिक्स, और इसमें तीन से गुणा कर लेंगे तो तीन इसमें लग जाएगा। तो यहाँ कर लेते सबसे पहले, इसको जब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू सी आर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू लग जाएगा। यहाँ पर करेंगे टू से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, टू, ये टू हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ टू थ्री जा कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं सिक्स, तो ये हो गया, हमने टू से गुणा कर लिया इसको। इसको थ्री से कर लेते तो यहाँ थ्री से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा थ्री। उसके बाद यहाँ थ्री टू जा कितना हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ टू हटा करके कितना कर लेंगे, सिक्स। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है सिक्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ से दोनों। अब क्या है कि जो हमारा लेफ्ट साइड में बचा हुआ बाईं ओर, उसको हम बाईं ओर लिख देंगे, जो दाईं ओर बचा हुआ उसको दाईं ओर लिख देंगे। ये हो गई हमारी समीकरण। तो यहां से लिख लेते हैं टू सी आर थ्री एफ ई डबल प्लस, टू सी आर प्लस थ्री एफ ई डबल प्लस, एरो लगा दिया, इधर का इधर उतार दीजिए। तो यहां टू सी आर, टू सी आर थ्री प्लस, और कितना है थ्री एफ ई, ये आयरन हो गया। तो इस समीकरण को मैंने सॉल्व कर लिया, ये अर्ध समीकरण हो गई और ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई, या पूर्ण समीकरण हो गई, जो कि संतुलित है, इसमें सब कुछ बराबर है। तो यहां से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बराबर की है तो कितना आया है, सिक्स। यानी यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो नष्ट समीकरण में हमें रखनी है, एन की वैल्यू हो जाएगी यहां से सिक्स। तो हम उसको उठा करके नष्ट समीकरण में रख देंगे और हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें समीकरणें लिख ली, अब हमें क्या करना होगा कि हमें मानक स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होगा। E जीरो सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहां कर लेते हैं इसको, E जीरो सेल E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, ये मानक परिस्थिति है, क्योंकि नष्ट समीकरण में हमें मानक परिस्थिति को भी तो रखना है। तो यहां पर इससे क्या है, E जीरो सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, मैंने मानक वाले में आपको बताया था ये फॉर्मूला होता मानक का। तो यहां पर देखिएगा E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड एनोड मैंने इस क्वेश्चन में पहचान लिया कि कौन है, कैथोड हमारा कौन है, ये आयरन है, इसकी वैल्यू यहां दी गई है। एनोड पर यहां पर देखिए एनोड हमारा कौन है, ये क्रोमियम है, क्रोमियम की वैल्यू ऊपर दी गई है। यहां पर देखना यह कि कैथोड का एनोड का ये दोनों का जो है अपचयन विभव रखना होता है। तो सवाल में देखिए वैल्यू जो दी गई क्या वो अपचयन विभव है, तो यहां पर सी आर ट्रिपल प्लस से हो रहा सी आर जीरो, यानी आक्सीकरण संख्या क्या और एक घट रही है, चार्ज खत्म हो रहा, अपचयन हो रहा है। तो ये तो पहली वैल्यू तो सही है। सेकंड वाली वैल्यू देखिए एफ ई है और एफ ई डबल प्लस, ये गलत हो गया। यहाँ सवाल में उलझाने के लिए आपको आक्सीकरण दे दिया है और हमें रखना क्या होता है फॉर्मूले में, अपचयन रखना होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है आक्सीकरण, तो हम ध्यान रखेंगे कि जब हम इसका अपचयन में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, जस्ट अपोजिट कर लेंगे। यहाँ प्लस में दिया गया 0.45 तो हम कर लेंगे माइनस में 0.45, या हमें क्या हो गया माइनस में दिया होता तो हम इसको कर लेते प्लस में, तो साइन अपोजिट हो जाएगा 0.45। तो कैथोड पर हमारा कौन होगा, कैथोड पर हमारा होगा ये आयरन, आयरन की वैल्यू प्लस दी गई है, जो कि ये ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए जस्ट उल्टा कर लेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं कैथोड के लिए हम क्या कर लेंगे, माइनस 0.45
4.5, ये माइनस लगाया, एनोड के लिए वैल्यू हमारी सही दी गई है, ऑप्शन बी ही दिया गया, -0.45, ये लिख लिया है। इन दोनों को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -0.45, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.75 वोल्ट। तो यहां से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से आंसर आपका आ जाएगा 0.30 वोल्ट, यानी यहां से E0 सेल मैंने निकाल लिया है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये हमें ऑक्सीकरण दिया गया था, अपचयन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मान उल्टा कर देना पड़ेगा, बस ये ऑक्सीकरण से अपचयन में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां तक मैंने इसको कर लिया है, यहां से मुझे एन की वैल्यू भी पता चल गई, एन की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, यानी ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, मैंने जब बैलेंस किया उसके बाद देखना है, तो ये संख्या हमारी कितनी इलेक्ट्रॉनों की, 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 है। इस वैल्यू को हम नष्ट समीकरण में रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए, मैंने क्या किया था कि समीकरण को लिख लिया था और यहां से n की वैल्यू मैंने देख ली थी। n की वैल्यू क्या है, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस करने के बाद ही मुझे लिखनी होती है ना। जैसे मैंने बैलेंस किया था यहाँ 6, बहुत समीकरणों में आपको बैलेंस मिलेगा तो वहां करने की जरूरत नहीं, वहां पर एक में 3 था, एक में 2 था, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, 6 करना पड़ा था, संख्याओं से मल्टीप्लाई करके। अगर बैलेंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था कि मुझे सब कुछ करना पड़े ताकि मैं आपको सिखा सकूं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और ऊपर ये समीकरण मैंने लिख करके पूर्ण सेल अभिक्रिया को ऐसे लिखा था, और मुझे सवाल में जो है, जो आयरन है Fe है, उसकी सांद्रता 0.01 m दी गई थी, और जो क्रोमियम है इसकी सांद्रता कितनी है, 0.1 m दी गई थी। तो इस सांद्रता को हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी हम क्या करते हैं कि संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट मेरा कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो इधर से बढ़ा लेते हैं 1, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों को दाईं तरफ बढ़ाया है इधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। यानी इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वहां भी कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट रख करके, मैंने यहां करके आपको दिखा दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहां पर कितना कर लेते हैं, तो यहां पर ये लगा हुआ है, इसको हम इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर -1 m, ये हो गया। अब हम लगा लेते हैं नष्ट समीकरण और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ई जीरो नहीं, ये मानक स्थिति में था हमारा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल -0.059, और ये यहां पर होगा n log 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p/r। ये हो गई हमारी समीकरण। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। मैंने E0 सेल भी आपको साइड में लिख करके दिखा दिया, 0.30 वोल्ट आया था, तो इसका मान यहां पर रख देंगे। n का मान कितना है, 6 है, समीकरण से मैंने निकाला था ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और P क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद है, उत्पाद में हमें कौन सा आयनिक उत्पाद, जो आयन के रूप में होगा उत्पाद, तो आयन के रूप में उत्पाद कौन होता है, जो समीकरण के दाईं साइड में लिखा होता, तो ये क्रोमियम है उत्पाद। इसकी सांद्रता कितनी है, देखो 0.1 दी गई थी, मैंने इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया, 10 की पावर -1 हो गया। तो यहां पर इसकी प्रोडक्ट मैंने उत्पाद, इसकी सांद्रता रख लेंगे, आर पर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में अभिकारक, अभिकारक में सांद्रता किसकी हो जाएगी, ये आयरन, आयनिक वाला रखना है मुझे, सॉलिड वाले को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है कि जिस पर चार्ज लगा होगा हमें उसी की सांद्रता रखनी है, उसी की सांद्रता आपको दी भी गई होगी। तो यहां पर रख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 0.30 वोल्ट। E0 सेल मैंने उधर निकाला था, यहां लिख दिया इसको -0.0059, ये हो गया। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 6 है, तो यहां पर रख लिया इसको log 10। प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता कितनी है, आयनिक उत्पाद की सांद्रता 10 की पावर -1 है। तो यहां पर देख लेते हैं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर देखिएगा 10 की पावर -1, पी की मैंने सांद्रता रख ली, कंसंट्रेशन, लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर संख्या भी कितनी लगी है, 2। अगर यहां संख्या लगी तो संख्या को क्या कर देते हैं, पावर में लगा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। यानी ये संख्या अगर यहां ना लगी होती, बहुत सालों में नहीं लगा होगा, तो ऐसे हो जाएगा। यहां पर संख्या लगी है तो इसे कहते हैं रससमीकरण गुणांक, तो इसको हम यहां पर रख देते हैं। उसके बाद ये आर, आर मीन्स क्या हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक कौन है, ये Fe, इसकी सांद्रता हम रख लेंगे। यहां पर कितनी दी गई हमें, 10 की पावर -2। क्या यहां संख्या लगी, तो यहां भी संख्या लगी, कितनी, 3 लगी है, तो यहां पर हम लिख लेंगे
यहाँ पर लिख लेंगे 3, ये पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको 0.30, 0. अब देखिए 5 और 9, ये हमारा क्या कि 5 के बाद 9 है, तो संख्या बड़ी होती तो हम क्या कर लेते हैं आगे में जोड़ लेते एक अंक, पहले वाली संख्या में अंक बढ़ा करके जोड़ लेते, सार्थक अंक आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 0.06 कर लेंगे 9 की जगह पर, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा और इधर हमारा क्या है log 10 हो जाएगा। उसके बाद p ये गुणा हो जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा 3 × 6, ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। अब इसको हम ऊपर ले लेंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहां से हमारा हो जाएगा 0.30 और उसके बाद 0.06/6 और नीचे हो जाएगा log 10, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर ब्रैकेट में ही सभी को लिख लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 की पावर -2 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में 10 की पावर 6 हो गया। तो यहां से इसको हम देख लेते हैं, इस साइड में हम लिख लेते हैं इसको, यहां पर यहां से कितना हमारा है 0.30 और माइनस, ये क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.01 और यहां से ये log 10, 6 से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 और यहाँ 10 हो जाएगा, तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा log 10^4, log 10 base 10, इसका मान कितना होता है 1 और यहां से कितना 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.30 - 0.01 × 4, यानी ये यहां से कर लेंगे तो इसको हम करेंगे कितना आएगा 0.30 और ये हो जाएगा 0.04, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 0.26 वोल्ट आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, देखिए ऐसा सवाल मैंने लिया था कि इसमें सब कुछ करना था, मैंने आपको सब कुछ सिखाया है और सब कुछ इसमें बता दिया है, मैंने ये फुल सवाल आपको कंप्लीट सवाल करवा दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।